आप देख रहे हैं देव न्यूज। आइए आज हम बात कर रहे हैं चुनावी चर्चा की। तो झांसी जिले के गरौठा विधानसभा के ऐसे गांव के अंदर आ चुका हूं जिस गांव का नाम है मछली कांच। जिस गांव के अंदर मात्र 300-400 ही वोटिंग इस गांव के अंदर है। इस गांव का नाम मछली कांच के नाम से पूरा गांव प्रसिद्ध है। आप देख सकते हो हमारे बीच में, दाहिने साइड में ले चलता हूँ आप सभी को, सभी यहाँ के ग्रामीणवासी एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि आखिरकार यह चुनाव किस प्रकार ग्रामीणवासी मन बना रहे हैं, आखिरकार 2022 का क्या है यहाँ के ग्रामीणवासियों का विचार। तो अगली आवाज यहाँ के ग्रामीणवासियों की। दादा राम राम। राम राम भैया। क्या नाम है आपका? मुन्नीलाल। मुन्नीलाल जी, मालूम है चुनाव 2022 का आ चुका है, कुछ ही महीने रह गए शेष, मालूम है? मालूम। हम जानना चाहते हैं पहले तो 5 वर्षों में क्या हुआ, गांव के अंदर क्या सुख सुविधाएं आपके मिली? हमारे यहाँ सर सुविधा अब एक तो देखो 5 साल के अंतर्गत ना तो एक नल आया है। अच्छा। ना RC भी आई है और देखते हैं कि फसल असल है जो गोरू है जो सब चौपट है। हम लोग ऐसे ही मजदूरी करते रहते हैं, यहाँ सुविधाएं और कुछ नहीं है। अच्छा, किसानों की पेंशन वगैरह आती है कि नहीं आती है? नहीं, हमारी तो नहीं आई। नहीं आई। क्या मानते हो इस बार बदलाव आप लोग कर रहे हो कि नहीं? नहीं, अब तो बदलाव कर रहे हैं हम। क्या मानते हो इस बार कैसा व्यक्ति होना चाहिए, जो आपके कौन सी पार्टी का प्रत्याशी होना चाहिए जो दुख सुख में आपके आए? हाँ, हम देखेंगे कि कौन अच्छा लड़का है, कौन स्वभावशील का है, उसको हम विचार बना के, और हम समझते हैं कि कांग्रेस की पार्टी हमें अच्छी लगती है। अच्छा, अभी इससे पहले भाजपा थी प्रेजेंट में और भाजपा थी, समाजवादी पार्टी भी सरकार रही। हाँ, समाजवादी रही। क्या है खासियत जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हो? कांग्रेस की इसलिए बात कर रहे हम कि जो कांग्रेस में सुविधा आई और सपा शासन में सुविधा आई, जो भाजपा में सुविधा नहीं आई हमारे गांव में। अच्छा। हाँ, एक नल नहीं आया सरकारी, एक भी नल नहीं लगा है, कुछ नहीं हुआ है, ना RC भी बनी है, यहाँ लाइट है तो लाइट भी हैरान करती है। तो इस बार कांग्रेस के साथ जाओगे आप? कांग्रेस के साथ जाए। अवज्जा राम राम। राम राम। क्या हाल है आपके? हाल अब तो बढ़िया, लेकिन सरकार सही नहीं है। कहाँ कह रहे कावज्जा, सरकार कहाँ सही नहीं है? जो गलत है सरकार। फिर 2022 में कहाँ चाह रहा है, कौन सी सरकार बनवा रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस कावज्जा, इससे पहले समाजवादी पार्टी में रही 5-10 साल पहले, और उनकी बात क्यों नहीं, उनसे का दुखी हो गएगा? दुखी है कुछ वही है नहीं है कुछ हम तो। अच्छा, नल की व्यवस्था नहीं है, सरकारी नल भी नहीं है, कोई पानी आने की ज्यादा व्यवस्था है। आइए मैं ले चलता हूँ मछली कांच गरौठा विधानसभा के हमारे बीच में प्रेजेंट में प्रधान के रूप में तैनात हैं। आइए जानते हैं कि प्रधान जी से कि आखिरकार क्या है इस गांव के अंदर, क्या सुख सुविधाएं यहाँ पर विधानसभा के प्रतीक इस गांव के अंदर आई क्या नहीं आई। प्रधान जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या मानते हो 5 वर्षों में क्या विधायक निधि द्वारा या विधानसभा द्वारा कुछ सुख सुविधाएं इस गाँव के हमारे यहाँ इस सरकार में कोई भी काम नहीं हुए हैं, और जो गरीब वर्ग लोगन के कुछ 2500-2500 रुपए जो बैंक में जमा थे वे कर्ज में किराए में भी दे दिए सरकार के पीछे, वो भी कुछ नहीं मिला। दूसरी बात, जो हमारे बुजुर्गों को जवान थे जिनको पेंशनें मिलती थी, इस सरकार ने उस पेंशन को काट लिया है हमारे यहाँ से। दूसरी बात, हमारे यहाँ पढ़ी लिखी सरकार वो बच्चे नहीं हैं, तो इस सरकार ने जो हमारा हक था, जो हमारे नियम थे, हम लोगों को जो लाभ मिलने थी, उनको काट कर हाई कास्ट में ले गए अपनी तरफ। हम लोग सब आवारा फिर रहे हैं। क्या मानते हो 2022 में क्या मन बना लिया? 2022 में हम सरकार कांग्रेस को सिद्ध मानते हैं, उन्होंने सभी पार्टियों को बढ़ाया है, फ्री बच्चों को पढ़ाया है, उन्हीं ने वजीफा दिया है, तो वो लोग सब भूलकर इस पार्टी को अपनी अपनी पार्टी तानने लगे हैं। लेकिन एक मुश्त पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कौन है नया चेहरा आपको दिखने को नजर आ रहा है कोई? हमारे यहाँ जो क्षेत्र का एक लड़का प्रिंस है, हम उसको चाहते हैं, क्योंकि वो नौजवान है, नौजवान के अंदर तेज तप रहता है, हर बच्चों की ध्यान भी करता है, हम उसी को चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में। दादा राम राम। राम राम। कितने उम्र हो गई आपकी? उम्र हो गई 65 साल। 65 साल। क्या मानते हो, आपने भी खूब देखे होंगे, विधायक बना दे, प्रधान बना दे, कई सरकार हम लोग सब लोग बर्बाद। क्या कह रहे? हाँ सही कह रहे, जो हमारे जीवन है नदिया में 10-20 हजार रुपया अपने कमा लेती है, खर्चा पानी अपन चला रही थी, हमारे कछुआ व्यक्ति है
जब कछुआ फूल फल पे आए कि पानी छोड़ देते बंदा का तभी नष्ट हो जाती फसल। अच्छा हम लोग खेती भरोसे खेती अगर ऊपर वाली बढ़ सके तो हो गई ना बढ़ सके बर्बाद है। सर 2022 में कौन सी पार्टी से मन मना रहे हो? पुरानी पार्टी खेजे हैं। कौन सरकार? कांग्रेस की। कांग्रेस की जब ढोर बछरू गंजा फिर रहे जी सब हमारे फसल खा जा। जय राम राम। जय राम राम। का चल रहा हूँ माहौल गांव के अंदर? माहौल तो बहुत कंडीशन खराब कर रही गांव। का कह रहे? ना कोई गांव में सीसी है ना कोई नाल है। और फिर हम अपनी अब ये कही हमने सब देख रहे आंधी ना तूफान ये भड़भड़ात रहे भड़भड़ात रहे इसमें कुछ नहीं हमारे की बर्बादी है। इसे हम पुरानी सरकार अपनी पकड़ें जब हम इस संभल पाएँ तो नहीं हम ऐसी बहती गंगा फिरते जाएंगे भड़भड़ा। का कह रहे? तो कहा जाओ कौन सी सरकार ये बात कर रही है? कांग्रेस पकड़े हम तो नहीं भी। अच्छा। पकड़े भी फिर पकड़ेंगे। का इससे पहले समाजवादी पार्टी भी घरोठा से रही नहीं है? तो रही है तो उनने भी कुछ काम कराओ लेकिन इसमें कुछ नहीं भा हुआ। अच्छा उनने 7-8 नाल भेजवा रही थी। तो कांग्रेस की साइड जा रहे हो आप? कांग्रेस का साइड फिर अपनी पकड़ा रहे जो पुरानी रास्ता है वही ढूंढ रहे फिर क्या करे बार बार। भाई राम राम। राम राम। का हो रो कर लो नहीं कर लो? कर लो। चुनाव आगे 22 में 4-5 महीना रहेगा 3-4 महीने पतो है का नहीं पतो है? हाँ। तो काज सरकार में कछु मदद भई का नहीं भई तुम्हारी? कहाँ भाई का ही पेंशन मिल जाती बस। पेंशन मिल जाए नहीं है कभी तो वोट डर में जो का नहीं जो जावर। हाँ ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। तुम्हें यहाँ शिक्षित लग रहा है पढ़े लिखे लग रहा है युवा भी लग रहा है। पहला प्रश्न ये है हमारा जा गांव के अंदर विद्यालय विद्यालय है का नहीं है? 5 तक है विद्यालय इसके आगे फिर नहीं पढ़ पाती इस गांव के। तो तुम लोगों ने अभी तक 8 तक और 12 तक का नहीं करा पाए? हमारी सरकार से ये मांग है हमारे गांव में 8 तक स्कूल होना चाहिए। अब सरकार तो अब कछु दिन रह गए फिर चुनाव आ गए सरकार चुनाव आ गए तो क्या मानते हो इस बार कैसी सरकार होना चाहिए कौन सी पार्टी होना चाहिए? कांग्रेस की सरकार होना चाहिए और हमारा ये मांग है 8 तक या 10 तक स्कूल होना चाहिए मछली गाच में। यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है तो अस्पताल भी होना चाहिए। और कोटा ले आने हमारे गांव से धमड़ौर जाते हैं लोग तो हमारे गांव में कोटा भी आना चाहिए। साथियों ये था गरौटा विधानसभा का मछली कांच गांव जिन्होंने यहाँ के ग्रामीण वासियों से आप सभी को मिलाया। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार कौन विधायक बनकर गरौटा से जीतकर ग्रामीण वासियों में सुख दुख में शामिल होने का काम करेगा। कैमरामैन आशीष के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता देवनूत।